जोहार मैं गोविंद मरांडी जोहार आदिवासी सेना के पश्चिम बंगाल वर्किंग प्रेसिडेंट। तो मैं रौरेकर बीच में आज अलीपुर द्वार फलाघाटा ब्लॉक के बदायटड़ी गांव अंचल साल कुमार हमने के फलाघाटा ब्लॉक में हमने के अनिता उराव के नीचे तो हमने रौरे के कहानी लिखे लगे रौरे के निकली कहानी हकीकत है कि हमारा आदिवासी समाज की और जिस प्रॉब्लम से उनको गुजरात है उस प्रॉब्लम के हमने खुद अनिता उराव से हमने पूछा कि उनका हालात क्या है और सही में हमने कर आदिवासी समाज खन तक कौन जगह में पहुँच उन नतीजा कर हमने बात करो और रौरे के हमने देखा और बताब वीडियो में रौरे बनल रहबा सब कोई देखे सकबा कि आज हमारे कर आदिवासी समाज सचमुच में बस्ती में जेकर जमीन है और वो जमीनी हकीकत का है कि मान कर फैमिली कैसे गुजरात है हमारा आदिवासी कितना पढ़ाई लिखाई कही रहें उन्हें आज कर ये इंटरव्यू में तुम्हें देख सकते। हर बार हमरे के सरकार कर बड़े बड़े बिल और विकास कर बात सुने के मिले कभी पीएम आवास योजना तो कभी विकास बोर्ड कर नाम से घर देवे कर आश्वासन। लेकिन एखन तक भी बहुत ऐसा परिवार आहाई जे मन जगे खाए के लिए खाना और रह कर लागिन छत भी नखे। ऐसा ही एक ठो परिवार आहे अलीपुर द्वार फलाकटा प्रखंड कर साल कुमार ग्राम पंचायत में। यहाँ एगो आदिवासी बहन अनिता उराव कर परिवार आहे जेकर माँ और बाबा तो बचपन में ही उमन के छोड़ के दुनिया से चल गलाई। एकर बाद ई परिवार कर आर्थिक स्थिति बहुते खराब हो गेलक और अपन पीछे छोड़ल उ छवा मन के अपन जीवन अंधकारमय दिशे लग गेलक। ई परिवार कर सदस्य मने अपन रोजगार कर लागिन और फिर अपन परिवार कर भरण पोषण कर लागिन पलायन होवे में मजबूर हो गेलाई। लेकिन इतना कोशिश करे कर बावजूद भी ई परिवार अपन लागिन एगो रहे के लायक घर बनाए नहीं सकते और अब सरकार बटले मिले वाला आदिवासी विकास बोर्ड बटले एगो घर कर मांग करत है ताकि ये परिवार कर अपन ऊ फाटल घर से अलग सपनों कर अपन एक घर हो। उनका फैमिली का हालात बहुत ही खराब स्थिति में आए रहे के लिए उनको ठीक से घर में नहीं के हमने देख सका थी और उमन कर हाथ में जो 6 बीघा जमीन रहे उकर में से 3 बीघा जमीन बिक्री हो चुकी है और 3 बीघा जमीन भी बंधक हो चुकी है यानी कि उमन कर हाथ में जो जमीन भी रहे वो जमीन भी उमन कर हाथ में एखन नहीं थी। तो इस प्रकार से हमने कर अनिता उराव के जिंदगी ठो आए काफ़ी संघर्ष और हमने यहाँ देख सका थे कि अपन मैंने खाए के लिए कुछ वो है बांधा की जो जमीन के दिहन वो है बांधा की ऐसे कुछ उमन के धान मिल है जिकर से उमन अपन गुजारा करें। तो आज के दौर में हमने देखे सकल के दुनिया बहुत ऊंचाई जगह में पहुंच जाए हमने के आदिवासी समाज बहुत आगे चल जाए हमने सुने सकेला लेकिन फैक्ट में हमने आज यहाँ हमने जान सका थी देख सका थी कि हमने कुछ साल आगे जब 2008-2009 अखिल भारतीय विकास परिषद जब आंदोलन करना तो आदिवासी के हर मुद्दा के आंदोलन कर रहे जो मुद्दा आदिवासी के लिए जरूरी है लेकिन हमने के बहुत ही दुख लगा थी कि इस परिवार में आज हमने आई की पहुँची कि उकर रहे के लिए ना घर रहे ना खाए के लिए उकर कुछ और रहे ना ही उकर कोई गार्जियन अच्छा से आए। तो इस प्रकार से हमारा आदिवासी समाज जो है तो मैं गुजारिश करूँ हमने के ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से और BCW डिपार्टमेंट से और हमने के चेयरमैन बिरसा तिर्की अखिल भारतीय विकास परिषद वर्किंग प्रेसिडेंट तेज कुमार टोपो तो मैं इमार से विनती करबू कि हमने के आई जी अनिता उराव जेकर 17 साल ही उम्र है तो मतलब अपन जो परिस्थिति रहे उस परिस्थिति से लड़ते लड़ते इस जगह में आए कि उमन पहुँच है तो उमन कर जो घर बैठा है खाली घर बैठा है तो आगामी मध्य दिन में हमने अनुरोध करा थी कि उनका लगिन टास्क फोर्स के माध्यम से और विकास परिषद के जो बोर्ड है ट्राइबल डेवलपमेंट बोर्ड उस बोर्ड के माध्यम से ई मयाले हमने के ई मयाले घर कर बंदोबस्त कर दे दी मन पारेंगे सब लोग ऐसा कौड़ी नहीं के छोटे में मोर बाबा मन सिर लाई अपन काम के लिए घर के नहीं थे दादा मोर बाहर जाए दादा के उम्र 22 तो माँ बाबा मन कितना साल पहले सिर लाए पता नहीं जानो ना खेत बारी में बांधा रहे
पैसा नहीं छोड़ा दिए तो घर मिली ठीक है।